नमस्कार, आज हम हैं पूना में। आज 9 अगस्त 2019 पूना के हम जिला अधिकारी कार्यालय के नीचे हम खड़े हैं, उपस्थित हैं। आज ईवीएम के विरोध में आंदोलन देश भर में जारी है। उनके एक्टिविस्ट कार्यकर्ता अपने साथ हैं। हम जानकारी लेंगे ये ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है। जी, मेरा नाम क्षितिज यामिनी शाह है। अच्छा, मैं पूना में रहता हूँ। पूना के आंदोलन की हम बात कर रहे हैं और जो ईवीएम के खिलाफ राष्ट्रीय जन आंदोलन, ईवीएम विरोधी राष्ट्रीय जन आंदोलन इस नाम से हमने शुरू किया है। इसके बारे में हम कई सालों से पहले से काम कर रहे थे, पर इस बार जो इलेक्शन के रिजल्ट आए उसमें कई अविश्वसनीय रिजल्ट है। उसका आंदोलन को लेकर हमारा वही रहा कि बहुत भारत देश में से हमको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलने लगा 23 मई के रिजल्ट के बाद से, और तब से हम लगातार 20 मई को हमारा पहला आंदोलन हुआ था पुणे में, पुणे मुंबई कई जगह पे वो आंदोलन हुआ था। और 30 मई के बाद फिर हमने जून में 12 जून को मुंबई में एक बड़ा आंदोलन हुआ, एक नेशनल परिषद तब हुई। देश भर के ईवीएम के विषय के एक्सपर्ट उस आंदोलन में आए थे वहाँ पर परिषद में, और उसको देखकर तब से पूरे देश में ये आंदोलन फैला है। हमने उसके बाद 3 जुलाई को पुणे में एक परिषद ली, 16 जुलाई को पुणे में एक परिषद ली, और उसके बाद ये 9 अगस्त का आंदोलन हमने रखा था। 9 अगस्त का आंदोलन था कि अगस्त क्रांति, 1942 में भारत देश में ये नारा दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी की तर्ज पर हमने, जैसे हमारा तब स्वतंत्रता नहीं थी, आज हमारा जो स्वतंत्रता है वो एक वोट देने की हमारी स्वतंत्रता है। जो हमारा वोट है वो ईवीएम को मिल जाता है, पर ईवीएम जिसे वोट दिया उसे न देकर उसे चुरा लेती है, ये हमारा कहना है, सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। तो इसलिए ईवीएम भारत छोड़ो ये नारा देकर हमने ये आंदोलन 9 अगस्त का देश भर में रखा था। देश भर में ये आंदोलन हुआ है। आज आप देखेंगे तो दिल्ली में भी ये आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, मुंबई में हुआ। ईवीएम आंदोलन के बारे में पूना और हमारा जो सारा ग्रुप है वो भी बहुत एक्टिव रहा है। हम कंटिन्यूसली लगातार इस बारे में हम काम करते जा रहे हैं। तो आज हमने उसी तरह आज हमने भी ये आंदोलन रखा पुणे में। शनिवारवाड़ा में हम सारे लोग जमा हुए, वहाँ पर एक हमारी छोटी सी सभा हुई, उसमें सारे लोगों ने अपने विचार रखे और फिर हम वो मोर्चा लेकर यहाँ कलेक्टर ऑफिस तक आए, और कलेक्टर ऑफिस में हमने निवेदन दिया है कि इसके आगे की जो भी चुनाव होंगे वो चुनाव केवल बैलेट पेपर पर हो, ईवीएम के द्वारा हमारे वोट चुराए ना जाए, और ये सब करने के लिए ज़रूरी है कि सारे चुनाव इसके बाद केवल बैलेट पेपर पर हो। ये आवेदन निवेदन हमने कलेक्टर जी को दिया है। हम लोग सारे जनता में से हम लोग इकट्ठे हुए सारे राष्ट्र भर में, और राष्ट्र भर में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से आंदोलन हुआ। पहली बात तो मुझे मोदी जी से ये कहना है कि मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं कि हमें जनता से जनाधार मिला हुआ है, पूरी जनता ने उनको चुनकर दिया है। अगर आपको चुनकर दिया है तो मेरा एक ही सवाल का जवाब मैं मोदी जी और अमित शाह जी से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर इतना विश्वास है कि आप सारे जनता ने आपको बहुमत से चुनकर दिया है, तो आप क्यों डरते हो, आप क्यों घबराते हो ईवीएम से, ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर पर इलेक्शन क्यों नहीं करने देते? तो मेरी इतनी इल्तिजा है उनसे दरख्वास्त है कि अभी उन्होंने सरकार बनाई है, काम कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, बुरा ज़्यादा कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं। तो मेरे उनसे एक निवेदन है कि अगर आपको इतना विश्वास है तो ईवीएम हटा दीजिए और बैलेट पेपर पर मतदान हो, और जो लोग हैं जनता है, जनता के मन में सांसकता कभी भी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि जब पहली बार जब विधानसभा में पाँव रखा था एज प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा था कि मैं प्रधान सेवक हूँ। अगर आप अपने आप को सेवक मानते हो और जनता को मालिक मानते हो, तो फिर जनता मालिक होने के नाते और आप सेवक होने के नाते आप तो ऊपर से हुकुमशाही कर रहे, तानाशाही कर रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। और बैलेट पेपर पे जल्द से जल्द उनको मतदान करना चाहिए। मैं यही तो कह रही हूँ कि जब चुनाव हो रहे थे तब सारे मीडिया से सब खबरें आ रही थी कि यहाँ पे इतने ट्रक पकड़े गए, यहाँ पे स्टोरेज में इधर स्टोर रूम में ये मिला, इतने ईवीएम मिले, इतने वो मिले, इसी के लोग यहाँ बैठे हुए मिले, कई कमरे में मिले, शराब पीते हुए मिले हैं गुजरात के अंदर में ईवीएम के मशीन के साथ, किसी के घरों में प्राइवेट घरों में ईवीएम की मशीनें मिली है। फिर जो मतदान हुआ है, मान लीजिए कि एक वार्ड में 100 जनों का मतदान हुआ है, और अगर वो मतदान हुआ है तो वहाँ पे फर्क क्यों आ रहा है? मतलब 100 के बजाय 110 आ रहे हैं, कभी 90 भी आ रहे, तो अगर 100 जनों ने दिया तो 100 क्यों नहीं आ रहे?
पहला सवाल मेरा यही है, इसीलिए साक्षरता बढ़ रही है। दूसरी बात, जब अगर इतने सारे जगह पर अगर ये मशीनें मिली है और 20 लाख मशीनें चोरी होने की खबर जब सब जगह पे फैली हुई है, मतलब वो खबर नहीं है, झूठी खबर नहीं है, ये सच्चाई है। और सच्चाई जानते हुए भी ईसी क्यों चुप बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप बैठे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ईसी सभी अभी क्या मोदी जी के मोदी जैसे हुकुम शाह के अंडर में काम कर रहे हैं, वो जनता के कोई नहीं लगते, जनता के प्रति कोई भी उनकी कर्तव्य की भावना नहीं बची है, या उनको जनता के लिए काम ही नहीं करना, उनको बस उन्हीं का चाकरी करना है, ये मुझे पूछना है मोदी जी से। और ये इसलिए ईवीएम से शांतिता बढ़ने के कारण से बैलेट पेपर ही मतदान होना चाहिए, और ये मोदी जी को खुद को अभी इसमें शामिल होना चाहिए। एक्चुअली मैं तो मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी वालों को, सबको मैं आह्वान देती हूँ कि आप ईवीएम के विरोध में अभी हमारे साथ खड़े हो जाओ, जनता के साथ, तब समझेंगे कि आप सचमुच के ही सच्चे लोग हैं, और फिर हम आपको जरूर से हम खुद चुन के देंगे। इलेक्शन के बाद से पॉलिटिकल पार्टीज भी आंदोलन शुरू करने के लिए थोड़ा वो भी सोच रहे थे कि लोग बोलेंगे आप हारे इसलिए कर, पर जनता से जब ये आवाज़ आई, हमने ये आंदोलन शुरू रखा, इसको लेकर बहुत से कार्यक्रम हमारे देश भर में हमने किए, जनता से जब ये आवाज़ बहुत ज़ोरों से आने लगी कि नहीं ईवीएम हटाओ, तब जाकर पॉलिटिकल पार्टियों को भी लगा कि नहीं, लोग हमें सपोर्ट करेंगे और ये लड़ाई उनको भी आगे लेके जानी है, तो वो भी शामिल हुए पूरे आंदोलन में। ईवीएम विरोधी जन आंदोलन के बारे में सारे लोग आप देख रहे हैं, ईवीएम के बारे में जब हम बोलते हैं, खिलाफ जब हम बोलते हैं, केवल मुद्दा ये नहीं है ईवीएम के खिलाफत करने का, मुद्दा यह है हमारा वोट चोरी हो रहा है। सिंपल भाषा में बात करें, आप जो वोट दे रहे हो वो उसकी चोरी हो रही है, और आप जिसे वोट दोगे अगर वो चुन के नहीं आ रहा है तो फिर ये लोकशाही बची क्या, इसके बारे में हम सबने सोचना चाहिए। इसलिए हमारा ये नारा है, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ये नारा सबने देना है। ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ, इसके आगे हर चुनाव केवल बैलेट पेपर पर हो, इसलिए हम सबने घरों से बाहर निकलकर सड़क पर उतरना है, और जो भी इस विषय पर निर्णय लेने वाले लोग हैं उनके सामने खड़ा होकर ये उनको बोलना है, इसके आगे हर चुनाव बैलेट पेपर पर हो, यही हमारा नारा है। धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।